विभाग से सूचना मिली थी कि इस गोदाम में जो है सरकारी खाद्यान्न का अवैध कारोबार किया जा रहा है, उसी के दृष्टिगत मेरे द्वारा मौके पर पहुंचा गया और उपजिलाधिकारी महोदया से निवेदन किया गया कि वो भी मौके पर आ जाए। तो उसमें उपजिलाधिकारी एतमादपुर और तहसीलदार एतमादपुर और हमारी टीम सभी लोगों के द्वारा यहाँ उपस्थित हुआ गया और पता किया गया कि किसका है, लेकिन किसी ने बताया नहीं। एक नंबर भी मिला किसी यहीं के ग्रामीण द्वारा कि इस पे आप संपर्क कर लें। बात करने पर उस व्यक्ति ने कहा नहीं, मेरा नहीं है, मैं इन्हें नहीं जानता हूँ, मेरे पड़ोसी का है। 2 घंटे इंतजार करने के बाद भी जब नहीं मिला तो टीम ने निर्णय लिया कि इसको जो है ब्रेक करके देखा जाए कि इसमें क्या है। तो ताला तोड़ करके जो है हम लोगों ने अंदर जाके देखा तो प्लास्टिक की बोरियों में चावल रखे हुए थे। चावल का जो जींस था वो सरकारी ही दिखाई दे रहा था। 3 बोरियां ऐसी भी मिली जो सरकारी बोरियां भी थी, उसमें भी चावल था। कुल 153 बोरियां मिली हैं और 50 किलो के भर्ती में प्लास्टिक की जो 50 किलो की बोरियां होती हैं वो होती हैं। चूँकि अब रात के 10:30 बज गए हैं इसलिए इसकी कार्रवाई के लिए हम लोगों ने थाना अध्यक्ष जो खंदौली हैं वो भी मौके पर थे, उनको ये कहा गया है कि अपना गार्ड और सुरक्षा दे दें ताकि ये सुरक्षित रहे और कल सुबह 10 बजे पुनः इसे खोल करके आगे की कार्रवाई इसमें की जाएगी। देखिए इसमें 2 चीज़ें हैं, ये अभी जांच का विषय है कि ये खाद्यान्न यहाँ कैसे आया, लेकिन अभी हाल में कुछ और भी खाद्यान्न इसी तरह के पकड़े गए थे। इसके संदर्भ में ये प्रकाश में आया था, जांच में पता चला था कि कार्डधारक स्वयं गली गली में कुछ ऐसे लोग जो मोटरसाइकिलों से खाद्यान्न को कलेक्ट करते हैं। कार्डधारक स्वयं चूंकि चावल इस क्षेत्र में खाया नहीं जाता है, चावल कई कार्डधारकों की भी मांग आती रही कि गेहूँ बांटा जाए, तो उसके वजह से वो चावल को वो करते हैं और चावल ये बाद में खरीद लेते हैं। फिर भी ये सही नहीं है, जिस कार्य के लिए जिस चीज़ के उपयोग के लिए जो चीज़ दिया जा रहा है उसका उसी में उपयोग होना चाहिए। तो हम ऐसे लोगों को भी चिन्हित कर रहे हैं जो राशन सरकारी लेते हैं और लोगों को बेचते हैं और जो भी इसे खरीदते हैं इसे बढ़ावा देते हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई की। ये अभी कल जो है हम इसमें जांच करेंगे। सरकारी बोरियां चूंकि हमारी मार्केट में भी बिकती हैं इसलिए सरकारी बोरियों में खाद्यान्न मिल जाने से हम प्रथम दृष्टया नहीं, 153 में 150 तो प्लास्टिक की मिली हैं, तो ये जांच का विषय है। इसे अभी पूरी चीज़ें इसमें तफ्तीश की जाएंगी और निश्चित रूप से सिद्ध होने पर इसमें कार्रवाई की जाएगी। ले आप इस बात को समझें मैं क्या कहा हूँ, सरकारी बोरियां जब खाली हो जाती हैं तो भी ये मार्केट में बिकती हैं। जो आप देखिए ये क्या नाम है, जो राइस मिल वाले होते हैं या वो आटा पीसने वाले होते हैं जो मंडी से खरीदते हैं, जैसे मंडी से आप खरीदते हैं तो भी हो सकता। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सरकारी नहीं, ये सरकारी भी हो सकता और नहीं भी हो सकता, इसकी जांच की। पिछले हफ्ते आपको बताएं कि जो राशन 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई थी 15 दिन पहले जो कार्रवाई हुई थी 23 या 24 तारीख में मार्च में, तो उसमें तत्काल कार्रवाई गिरफ्तारी की भी हुई थी। ऐसा नहीं कि गिरफ्तारी नहीं की जाती है और समय समय पर अभियान भी चलाया जाता है। आपको अवगत कराना चाहेंगे कि पिछले वर्ष पूरे 2018-19 में लगभग 70 मुकदमे लिखवाए गए थे। नहीं नहीं हाथ से सिली, मैं मशीन से ही सिली हुई है, उसकी जांच की जाएगी। 3 बोरियां जो मिली हुई हैं उसकी भी जांच की जाएगी और उसमें जो भी मिलेगा उस पर कार्रवाई। टेस्टिंग देखिए पुलिस का वर्क है, विभाग लगाता है उसमें पैर भी करता है, पुलिस की कार्रवाई है और उसमें हुआ भी होगा, उसका भी रिकॉर्ड हम आपको ऑफिस से दे देंगे कि इसमें